दोस्तों क्या आपको पता है बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से क्यों निकाल दिया था? एक बार जब मायावीर नामक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे दिया था, जो कि रावण की पत्नी मंदोदरी का भाई था, बाली को जो भी युद्ध के लिए चुनौती देता था बाली उसे अस्वीकार नहीं करता था। बाली जब उस मायावीर राक्षस को मारने गया तो सुग्रीव भी बाली के पीछे चला गया। दोनों भाई को एक साथ आते देख मायावीर राक्षस गुफा में चला गया और बाली ने सुग्रीव को गुफा पे पहरा देने के लिए बोला और खुद राक्षस को मारने के लिए अंदर चला गया। बाली और मायावीर राक्षस का युद्ध करीब एक साल तक चला। उसके पश्चात गुफा से बहुत आवाज आने लगी और रक्त की धारा गुफा के द्वार तक बहने लगी। यह देख सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर गुफा का द्वार खुला छोड़ दिया तो ये राक्षस किष्कंधावासियों को परेशान करेगा और गुफा का द्वार बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देता है और किष्कंधा लौट जाता है। वहाँ भी सबको लगता है कि बाली मारा गया और सुग्रीव को वहाँ पे राज्य अभिषेक करा देते हैं, किंतु बाली जीवित था और रक्त और आवाज मायावीर राक्षस की थी जिसे बाली ने मार दिया था। बाली जैसे ही गुफा से बाहर आने लगा तो गुफा का द्वार बंद देख बहुत क्रोधित हुआ और गुफा का द्वार जैसे तैसे तोड़ के बाहर आ गया। बाली जैसे ही अपने राज्य पहुंचा तो उसने सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखा। यह देख बाली बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और सुग्रीव को मारने लगा। फिर हनुमान सुग्रीव को बचा लेते हैं और हनुमान के कहने पे सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे चले जाते हैं। वहाँ पे बाली चाहकर भी नहीं पहुँच सकते थे, जो कि बाली को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत पे पांव भी रखेगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे